Good morning, dear students. Myself, Pragya Gupta from Gurukul Grove School. Today, I will be teaching you all first lesson of English of class 1. Let's we start from first lesson. हम अब पहले लेसन से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द रेनबो और उसके लेखक हैं जेम्स रीप्स. चलिए अब हम अपने पोयम पे चलते हैं. इस पोयम में टोटल 2 स्टेंजाज हैं. हम पहले स्टेंजाज को पढ़ते हैं. वंस इन अ ब्राइट डे विथ माई बॉल I went to play in the sky above my head. I saw some lovely color shades, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. ये रहा हमारा पहला स्टेंजा. अब हम इसके मतलब को समझेंगे कि ये स्टेंजा हमें क्या बताना चाहता है. Once in a bright day, मतलब एक चमकीले दिन में, एक सुहावने दिन में. With my ball, I went to play. मैं अपने गेंद के साथ खेलने गया. In the sky above my head, मेरे सर के ऊपर, मैंने स्काई में I saw some lovely color shade. मैंने कुछ अच्छे बहुत प्यारे कलर के परछाइयाँ देखी और जो मैंने परछाइयाँ देखी उसमें टोटल 7 कलर्स थे जिसका नाम है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. लेट्स वी स्टडी द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोयम. दे व्यू लुकिंग वेरी कूल एंड द स्काई सीम्ड सो ब्यूटिफुल. I called Sheena, Tina and Joy to tell about what I saw. Do you know what was that? It was a lovely rainbow. चलिए अब हम इसका मतलब समझते हैं कि ये स्टेंजा हमें क्या बताना चाहता है. दे वेयर लुकिंग वेरी वेरी कूल. जो कलर शेड्स थे वो बहुत ही कूल दिख रहे थे, मतलब बहुत अच्छे दिख रहे थे. एंड द स्काई सीम्ड सो ब्यूटीफुल. और जो स्काई था वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था. आई कॉल शीना, टीना एंड जॉय. मैंने अपने दोस्तों को बुलाया जिनका नाम था शीना, टीना एंड जॉय टू टेल अबाउट व्हाट आई सॉ. मैंने उन सबको इसलिए बुलाया ताकि मैं बता सकूं कि मैंने उस स्काई में क्या देखा. डू यू नो व्हाट वाज दैट. क्या आप जानते हैं कि वो क्या है. इट वाज अ लवली रेनबो. वह एक सुहावना रेनबो है, इंद्रधनुष है. अब ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया. अब नीचे कुछ ग्रीन बॉक्स में हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं जैसे कि ब्राइट, शाइनिंग मतलब चमकीला, सेकेंड शेड्स मतलब शैडो मतलब प्रतिबिंब उसका छाया, सीम्ड और उसका मतलब दिया है अपीयर मतलब प्रतीत होना. हमने ये लेसन पढ़ लिया तो अब हम इसके एक्सरसाइजेस पे बढ़ते हैं. तो एक्सरसाइज में पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर ए, राइट द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोयम द रेनबो. हमने पीछे जो लेसन पढ़ा उसका फर्स्ट स्टेंजा लिखना है. आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे. राइट द रेमिंग वर्ड्स हाइडन इन द पोयम. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. इसका मतलब रेमिंग वर्ड्स ढूंढना है जो कि पोयम में छिपे हुए हैं. पहला, जैसे कि आप डे और प्ले दिख रहे हैं, रेमिंग वर्ड्स मतलब मिलते जुलते, जैसे कि डे और प्ले दिख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स ढूंढ के हमें पोयम से लिखना है. तो हम सेकेंड में भरेंगे हेड और रेड क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं. थर्ड बॉक्स में हम लोग सीना और टीना भरेंगे. फोर्थ बॉक्स में हेड और शेड्स भरेंगे. फिफ्थ बॉक्स में कूल ब्यूटीफुल और सिक्स बॉक्स में हम लोग भरेंगे जॉय रेनबो. क्वेश्चन नंबर सी को देखेंगे. कैन यू नेम द फॉलोइंग नेचुरल थिंग्स. इसमें हमें बोल रहे हैं कि नीचे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं जो कि नेचुरल थिंग्स है, उनके नाम लिखने हैं. तो पहला सन, सेकेंड फ्लावर, थर्ड क्लाउड और फोर्थ मून. अब हम क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर डी, हुम डिड द चाइल्ड कॉल टू सी द रेनबो. मतलब चाइल्ड ने इस पोयम में किससे कॉल किया कि वो रेनबो को आके देखें. तो चाइल्ड ने अपने दोस्तों को कॉल किया जिनका नाम था सीना, टीना एंड जॉय. अब हम क्वेश्चन नंबर ई पे आते हैं. टिक द करेक्ट आंसर. मतलब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं और उसके चार चार ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें से जो ऑप्शन सही है उस पर हमें टिक लगाना है. तो पहला नंबर, द चाइल्ड वेंट टू प्ले विथ हर. इसका ये बोल रहा है हमें कि जो चाइल्ड था वह किसके साथ खेलने गया. तो पहला ऑप्शन बैट, दूसरा कार, तीसरा बॉल और चौथा फ्रेंड. तो इसमें से
सी नंबर मतलब तीसरा नंबर बॉल, इस पे टिक करिए क्योंकि पोयम में चाइल्ड अपने बॉल के साथ खेलने गया है। सेकेंड नंबर, हाउ वॉज द स्काई लुकिंग, मतलब जो स्काई था वो कैसा दिख रहा था। ऑप्शन नंबर ए ब्राइट, ऑप्शन नंबर बी क्लियर, ऑप्शन नंबर सी डार्क एंड ऑप्शन नंबर सी डी क्लाउडी। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राइट। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डिड द चाइल्ड सी इन द स्काई, बच्चा जो था उसने स्काई में क्या देखा। तो पहला ऑप्शन बर्ड, दूसरा ऑप्शन मून, तीसरा ऑप्शन काइट्स और चौथा ऑप्शन रेनबो। तो इसका सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन रेनबो। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे, द रेनबो हैज डैश कलर्स, मतलब इसमें बोल रहा है रेनबो के पास कितने कलर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4 एंड ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 कलर, द रेनबो हैज 7 कलर्स। अब हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन डिड द चाइल्ड गो टू प्ले, बच्चा कब खेलने के लिए जाता है। तो इसका ऑप्शन है पहला इन अ ब्राइट डे, दूसरा इन अ सनी डे, तीसरा इन अ रेनी डे और चौथा इन अ विंडी डे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इन अ ब्राइट डे। अब नीचे कुछ लैंग्वेज फॉर्म दिए गए हैं और उस लैंग्वेज फॉर्म में हमें अल्फ़ाबेट्स, मतलब अल्फ़ाबेट्स में कितने वॉवेल कॉन्सनेंट होते उसके बारे में बताया गया है। तो हम सब जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होता है उसमें 26 लेटर होते हैं टोटल, जिसमें से 21 जो होते हैं वो कॉन्सनेंट होते हैं और 5 जो होते हैं वो वॉवेल होते हैं। तो वॉवेल कौन कौन से होते हैं, उसमें जो ए ई आई ओ यू जो होते हैं वो वॉवेल्स हैं और जितने भी बचे 21 वो 21 वो कॉन्सोनेंट हैं। तो नाउ लुक एट द फॉलोइंग, जैसे कि नीचे कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, ए बर्ड, अ मैंगो, अ टेबल, एन ऑरेंज, एन एग, एन एप्पल, ये सब इसके ऑप्शन इसके एग्जांपल दिए गए हैं और नीचे और कुछ भी लिखा है उसे भी हम पढ़ते हैं। We use A before common noun which are in singular number and begin with a consonant sound. इसका मतलब जो A है उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, उसका प्रयोग हम लोग कॉमन नाउन के पहले करेंगे जो कि सिंगुलर नंबर में हो और जिसका साउंड, जिसकी ध्वनि जो हो कॉन्सोनेंट की तरह हो। जैसे कि पहले दिया गया है एग्जाम्पल में ए बर्ड, ए बर्ड मतलब ये ए बर्ड जो है ये बर्ड समूह है, इसमें कोई बता नहीं रहा है कि एक बर्ड है या दूसरा बर्ड है, इस ये पूरा समूह का बता रहे हैं कि ए बर्ड, और ये जो है सिंगुलर नंबर है और इसका कॉन्सोनेंट साउंड जो स्टार्ट हो रहा है वो बी से है क्योंकि बी कॉन्सोनेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो दिया है वी यूज एन बिफोर कॉमन नाउन विच आर इन सिंगुलर नंबर एंड बिगिन विथ अ वॉवेल साउंड, मतलब इसका मतलब हम लोग एंग का प्रयोग कॉमन नाउन के पहले करेंगे विच आर इन सिंगुलर नंबर, और जो कि सिंगुलर नंबर में रहेगा और उसका जो साउंड होगा, उसका ध्वनि जो होगा वो वॉवेल में होगा। तो इसमें दिया है एन ऑरेंज, एन ऑरेंज मतलब पूरे समूह, ऑरेंज का पूरे समूह का बता रहा है, और फिर ये सिंगुलर नंबर में भी है और इसका जो साउंड है वो वॉवेल की तरह है क्योंकि पहला लेटर इसका ओ है और ओ वॉवेल है। अब नीचे कुछ एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, राइट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग नाउन्स, मतलब यहाँ पे कुछ नाउन दिए गए हैं उसके पहले हम लोग को ए और एन का प्रयोग करना है, मतलब जो सुटेबल हो उसका प्रयोग करना है। तो इसमें दिया है डैश अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला यू फर्स्ट लेटर, यू जो है वो वॉवेल साउंड है और हमने ऊपर पढ़ा वॉवेल साउंड के पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। दूसरा नंबर डैश बनाना, बनाना मतलब बी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, और आगे भी बहुत सारे दिए गए हैं नाउन जिसके पहले हमें ए और एन का प्रयोग करना है, तो इससे आप खुद से कीजिए। अब नीचे चलते हैं, तो दिया है वर्ड पायो, कलर द पिक्चर गिवन ब्लो, मतलब जितने भी पिक्चर दिए गए हैं उसको कलर करना है, और नीचे दिया गया है नाउ राइट द नेम ऑफ द कलर्स ऑफ दिस थिंग। तो
तो इनके कलर्स के नाम लिखने हैं बॉक्स में, छः इसमें सात बॉक्स दिए गए हैं और सात ऑब्जेक्ट्स भी दिए गए हैं। तो इसमें जो जो कलर लगता है वो, मतलब पहला है ब्रिंजल, तो ब्रिंजल में वॉयलेट कलर होता है, तो पहला में हम वॉयलेट लिखेंगे और ऐसे ही करके आगे जितने भी ऑप्शन है उसमें, जितने भी क्वेश्चन है 7 questions उसमें हम भरेंगे। शोइंग ऑफ वर्ड्स, आगे शोइंग ऑफ वर्ड्स दिया है, तो इसमें दिया है हैव यू एवर सीन अ रेनबो, क्या आपने कभी रेनबो देखा है। इट हैज 7 colors विच आर नॉन एज वाइव ग्योर इन शॉर्ट। इसके जो रेनबो होता है उसमें 7 colors होते हैं जिसे हम लोग शॉर्ट में वाइव ग्योर कहते हैं, मतलब V stand for violet, I stand for indigo, B stand for blue, G stand for green, Y stand for yellow, O stand for orange and R stand for red। तो इसे हम लोग शॉर्ट में वाइव ग्योर कहते हैं। You will notice that each letter of it indicates the name of a color you have written earlier। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो ये लेटर है शॉर्ट लेटर रेनबो के कलर का, वो इंडिकेट्स कर रहा है जो रेनबो में कलर होते हैं उसको, तो उसको आपको लिखना है। अब नीचे चलते हैं तो दिया है ओलंपियाड, तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन नंबर ए दिया है फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग SES टू द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स है नीचे क्वेश्चंस दिए उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसमें आपको एस और ES जोड़ना है। तो नीचे क्वेश्चन में दिया है काउ और नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो काउ में एस या ES लगेगा, तो इसे हमें लिखना है, तो काउ में एस लगेगा काउज, और नीचे क्वेश्चन दिया है बेंच और उसमें क्या लगेगा एस या ES, तो बेंच में बेंचेस हो जाएगा, तो इसका मतलब बेंच में ES लगेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे, लुक एट द पिक्चर बिलो टेल हाउ मेनी दे आर एंड नेम द थिंग्स, हमें इस क्वेश्चन में बता रहा है कि इस पिक्चर जो नीचे पिक्चर है उसे हमें देखना है और बताना है कि ये कितने हैं और इनके नाम क्या हैं। तो पहला पिक्चर दिया है ऑरेंज, तो ऑरेंज इसमें एक ही है तो 1 लिख के और ऑरेंज का नेम लिख देना है, और सेकेंड पिक्चर काउ, तो इसमें काउ 2 है तो 2 लिख के और काउज लिख देना है। क्वेश्चन नंबर सी, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग एस और ES wherever necessary, also do the required changes if any। इसमें बोल रहा है कि हमें जो नीचे सेंटेंसेस दिए हैं उसमें ई और एस और ES लगाना है जहां पे जरूरत है, और उस कोई दूसरे चेंजेस भी हैं तो उसे भी हम करके लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्लीज शो मी योर पेन, मतलब कृपया करके मुझे अपना पेन दिखाओ, तो इसका आंसर होगा प्लीज शो मी योर पेन्स, इट मींस जो पेन है वो सिंगुलर फॉर्म में दिया है और उसे हम लोगों ने आंसर में पेन को प्लूरल फॉर्म में कर दिया उसे एस लगा के, के बाद कॉमा है तो उस कॉमे को हटा देंगे हम। तो अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, योर बुक इज ऑन द टेबल, तुम्हारी पुस्तक टेबल पर है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे योर बुक्स आर ऑन द टेबल, क्योंकि अब हमने बुक को प्लूरल में कर दिया है तो प्लूरल के साथ इज ना होके आर होगा। तो अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में, द मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री, जो बंदर है वह पेड़ पर बैठा है, तो इसका आंसर होगा द मंकीज आर सिटिंग ऑन द ट्री, जैसे कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन में किया, इसमें भी हम लोग वही करेंगे, मंकी को हमने प्लूरल में चेंज कर दिया तो उसके साथ इज ना ओके आर होगा। अब हम फोर नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, आई हैव माई ओन हाउस, तो इसका आंसर होगा आई हैव माई ओन हाउसेज, मतलब हाउस को ऐसा के प्लूरल कर देना है। अब दिया है यूरेका आई कैन स्पेल वेल, तो इसमें क्वेश्चन नंबर ए दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड लर्न देयर स्पेलिंग, इस जो फॉलोइंग वर्ड्स है उसको कंप्लीट करना है और उसके स्पेलिंग्स को सीखना है, मतलब याद करना है। तो पहला दिया है के एंड डैश डैश, तो इसमें इसका आंसर होगा डबल ई, मतलब नी। दूसरा दिया है बी डैश डैश टी, तो इसका आंसर होगा बी डबल ई टी। तो और आगे जितना क्वेश्चन है वह आप अपने से कीजिए। और अब फाइव, हु एम आई, कैन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हिंट बॉक्स,
मतलब इसमें बी नंबर क्वेश्चन में दिया है, नीचे क्वेश्चन में कुछ कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसको पढ़ के हमें पहचानना है कि वो क्या बोल रहा है, वो उसका सही आंसर क्या होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ग्रीन बॉक्स में हिंट भी दिया है, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आई एम फाउंड इन साइड डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मैं सभी फ्रूट और वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता हूँ। आई कैन ऑल्सो बी ईटन एज पल्सेज, मैं दाल के रूप में भी खाया जाता हूँ। आई एम ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस, मैं दूसरे प्रकार से और दूसरे साइजेस से भी होता हूँ। हु एम आई, तो इसमें बताना है कि मैं कौन हूँ, तो इसका आंसर होगा सीड, क्योंकि सीड ही जो होता है वो फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में पाया जाता है, उसे हम पल्सेस के रूप में भी खाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सीड। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। पीपुल यूज टू रीड मी, हु एम आई, मतलब जो लोग होते हैं वो मुझसे मेरे द्वारा पढ़ते हैं, तो पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ बताइए। तो हिंट बॉक्स में बुक दिया है, तो लोग बुक पढ़ते हैं, तो इसमें बुक ही होगा। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें दिया है, आई एम अ साइनोनिम ऑफ फ्रेंड, हु एम आई, मैं जो फ्रेंड दोस्त होते हैं उसका साइनोनिम हूँ, तो ये पूछ रहा है कि मैं, चलिए अब बताइए मैं कौन हूँ। तो इसमें दिया है पाल, तो इसमें पाल होगा, क्योंकि फ्रेंड्स का साइनोनिम पाल ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर फोर पे, आई एम ऑफ रेड कलर, यू कैन ईट टू रिमेन हेल्दी, हु एम आई, इसमें बोल रहा है कि मैं जो हूँ वो लाल कलर का हूँ और आप लोग मुझे खाते हो हेल्दी होने के लिए, तो बताइए मैं कौन हूँ। तो जैसा कि हिंट में एप्पल दिया है, तो एप्पल ही होगा, क्योंकि एप्पल ही रेड कलर का होता है और उसे हम लोग खाते हैं गुड हेल्थ के लिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में। तो क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया है, आई एम अ स्मॉल फरी एनिमल, आई लाइक टू ईट कैरोट, हु एम आई, इसमें बोल रहा है कि मैं एक छोटा सा एनिमल हूँ, मुझे कैरोट खाना पसंद है, तो बताइए मैं कौन हूँ। तो लास्ट हिंट में एक ही बचा, रैबिट, तो रैबिट ही होगा, क्योंकि रैबिट को ही कैरोट खाना पसंद है। तो अब हम चलते हैं बी एक्टिव, नेक्स्ट पेज, बी एक्टिव, कलर द फ्रूट एंड नेम इट, इस ये जो पिक्चर दिया गया है इसे हमें कलर करना है और इसका नाम देना है। तो कलर आप खुद से कीजिएगा, और नेम इट, जहाँ तक बात आई तो ये एप्पल है, एप्पल के अलावा और कुछ हो नहीं सकता है। देन और इस इधर हमने कुछ बताया है आपको एक्सरसाइजेस, और जो भी मैंने छोड़ा है उसे आप खुद से कीजिए, ये आपका होमवर्क है। अगर आपने ये कर लिया तो कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आई हैव डन इट, और थैंक यू। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना, आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट, इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क, और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।